मैं हूँ राहुल पटेल और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरी YouTube वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि सर CA फाइनल क्या स्ट्रेटेजी होगी सर CA फाइनल की, मतलब CA फाइनल का फर्स्ट ग्रुप किस तरीके से पास और किस वे में हम पढ़े सर कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट हो। इसके लिए आज हम बात करेंगे। सबसे पहला पेपर होता है सबमिट हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, सर क्या स्ट्रेटेजी होगी इसको पढ़ने की। तो फाइनेंशियल FR जो होता है, जिसे हम सिंपल टर्म में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR, इसको पढ़ने की क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो सर सबसे पहली बात होती है कि सर CA फाइनल की क्लासेस हमने ले ली है, अब हम रिवीजन, हमें कितने रिवीजन करना है। तो बेटा मिनिमम आपको CA फाइनल पास होने के लिए मिनिमम 3 रिवीजन तो करना ही, या तो खुद कर लो या फिर ICAI करवाएगा। एंड सर रिवीजन फिर कैसे करें, किस तरीके से हमारा फर्स्ट रिवीजन हो, किस तरीके से सेकंड रिवीजन हो, किस तरीके से थर्ड रिवीजन हो, और एग्जाम से पहले हम किस तरीके से रिवाइज करें। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर जो फर्स्ट डे किस तरीके से रिवाइज करें, लास्ट डे हम पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, FR को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रिवीजन हमें कैसे करना है, तो आपकी क्लासेस हो चुकी होंगी। क्लासेस होने के बाद आप फर्स्ट रिवीजन में क्लास नोट्स आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, तो फर्स्ट रिवीजन आप उससे करें। या फिर ऑप्शनल है कि आप पहले स्टडी मटेरियल भी पढ़ लें एक बार, क्योंकि स्टडी मटेरियल से बहुत बार सेम क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट भी हो जाते हैं बेटा ICAI में। तो डेफिनेटली आप सबसे पहले स्टडी मटेरियल पढ़े। स्टडी मटेरियल पढ़ने का एक एडवांटेज क्या है और मैं बता दूं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो जिस तरीके से स्टडी मटेरियल सेट हुआ है बेटा, जिस तरीके से स्टडी मटेरियल दिया हुआ है ICAI ने, उसमें एक अच्छा ये बेनिफिट है उसको पढ़ने का कि उसमें हर कंसेप्ट को कवर किया है, उसके बाद एलिस्ट्रेशन दिया हुआ है उसका। उस एलिस्ट्रेशन को करने के बाद वो आपको कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जो एग्जाम में जो रिस्पेक्टिव टीचर्स पूरा कंसेप्ट लिखवाते हैं, फिर हो सकता है कि हमें वो पूरे एकदम कंप्लीट क्वेश्चन करवाए या फिर जिस तरीके से भी आपको करवाए है, लेकिन स्टडी मटेरियल में इस तरीके से दिया हुआ है उसको, तब स्टडी मटेरियल ही रेफर करें या स्टडी मटेरियल पहले रेफर करें, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड, आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करने हैं, कि जब पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करोगे तो आपको आपका लेवल पता चलेगा कि मुझे और कहाँ गलतियां हो सकती है मेरे से और कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ। एक बार ICAI के सजेस्टेड देखें, पहले खुद पेपर ले, खुद अटेम्प्ट करें, खुद एवेल्युएट करें कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में किए, मतलब क्लास वर्क में किए या स्टडी मटेरियल में इस तरह के एग्जाम्पल कवर है। अगर कवर है तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का पेपर आ रहा है वो। एंड थर्ड की एग्जाम सेकेंड रिविजन एंड थर्ड रिवीजन और लास्ट रिवीजन, आप सेकंड रिवीजन इस तरीके से क्लास नोट्स भी पढ़ेंगे, आपकी जो कंसेप्ट कॉपी है उसको पढ़ें फर्स्ट, फिर सेकंड रिवीजन में कंसेप्ट कॉपी पढ़ लें अगर कंसेप्ट कॉपी अपने अलग से बनाई हुई है तो, या फिर पर्टिकुलर जो आपके रेगुलर कॉपीज है उसको ही पढ़ें। तो फर्स्ट आपको रिवीजन स्टडी मटेरियल से ही करना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगी ICAI किस तरीके से क्वेश्चंस कवर किए, किस तरीके से प्रोविजंस आपको अलग अलग प्रोविजन दिए हैं, तो आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी लर्न होंगे प्रोविजन। उसके रजिस्ट्रेशन भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे तो ये आसान हो जाता है प्रोविजन को याद करना और रिमेम्बर करना, कि आप बहुत इजी वे में उसको रिमेम्बर याद रख सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट सर, अब बात करते हैं एग्जाम रिविजन, लास्ट डे रिविजन कैसे करना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लास्ट डे रिविजन आप कंसेप्ट कॉपी पढ़े बेटा डेफिनेटली, और आप LDR मार्क करें कि यार मुझे लास्ट डे किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के जाना है, और डेफिनेटली LDR में वो क्वेश्चन सिलेक्ट करें जो कंप्लीट तरीके से पूरे कंसेप्ट या पूरे टॉपिक या पूरे सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करता है। इस तरीके का क्वेश्चन आप फाइंड आउट करें कि हाँ इसमें हर तरीके का या कुछ कॉम्प्लेक्स है, तो आप टिक मार्क कर ले कि हाँ ये सिर्फ मुझे लास्ट डे इस क्वेश्चन में अगर कुछ ट्रिकी पॉइंट है, कुछ नया पॉइंट पूछा गया है, तो आप कंप्लीट तरीके से सिर्फ उसको ही पढ़े, पूरा ना पढ़ के जाए क्वेश्चन, क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। तो डेफिनेटली जब आप पढ़ रहे हो तो आप वो या तो हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप जिस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं उस तरीके से उसको याद रखिए कि हाँ मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पॉइंट पढ़ के जाना है जो नया है, जो रिपीटेशन, उसकी वजह से आपका रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं होगी, रिपीटेशन आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद सर टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करें एग्जाम में, कि एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं तो क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके ऊपर बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपका पेपर कितना अटेम्प्ट हो पाएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं या फर्स्ट क्वेश्चन में उलझ जाते हो तो उसको स्किप कर दीजिए, या फिर स्किप कर दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को। तो डेफिनेटली आपको अगर इस तरीके से करते हैं आप
तो फर्स्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है कि फर्स्ट तरीके से आप वही क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हो कि हाँ मुझे कंप्लीट आता है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन उठाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो बाद के क्वेश्चन होगा आपके कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होगा कि यार मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है एंड सेकेंड क्वेश्चन आप वही करें सेकेंड क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हो कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन भी आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की वही स्ट्रेटेजी कि सर वही क्वेश्चन करें जो डेफिनेटली 100% आप श्योर हो कि मुझे कंप्लीट तरीके से आता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इस क्वेश्चन में क्या सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो आप उस क्वेश्चन को न टच करें कुछ भी वो क्वेश्चन लास्ट या सेकेंड या थर्ड नंबर पे वो क्वेश्चन उठाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैं श्योर शॉट हूँ ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट तरीके से देखा हुआ है मुझे आता है, तो वो क्वेश्चन आप फर्स्ट ऑफ ऑल करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि SFM और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी और अदर सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटेजी होगी। एंड थैंक यू, बाय बाय।